Hey guys, welcome back to my YouTube channel JK Chill Zone. Hope you all are good. I am also fine. So guys, देखिए आज का मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज हम लोग जा रहे हैं अब्बास अंकल के मामू के घर. वहाँ पे है हमारी दावत. ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर पे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर है. फ्रेंड्स, बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सर्दी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा बाहर. अब हम लोग जा रहे हैं अंदर. हम लोग आके बैठ गए हैं हमाम के अंदर. गाइस, जो हीट रूम होता है उसको यहाँ पे कहते हैं हमाम. तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से हम यहाँ पे बैठ गए. देखिए गाइस कितनी ज़्यादा क्यूट बेबी है जर्मीन. ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी माशाल्लाह. अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, चाय वगैरह. और अब देखिए फ्रेंड्स, ये वही ट्रेडिशन हाथ धुलाने का, क्योंकि अब निकलने वाला है खाना. तो अब अपनी हाथ धुलवा रही हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, खाना निकल गया है. खाने में था कोरमा, मटन, वाइट सालन, कबाब, रिश्ता, राइस. ये सब बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है यहाँ की, वाइट सालन भी. और ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब कितना ज़्यादा लंबा होता है, पाइप जैसा. और ये कोरमा है. अब हम लोग खाना खाएंगे. हम लोगों ने खाना खा लिया है. फिर हम लोगों ने घर देखा उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अंदर से भी. और अब हम लोग निकल गए उनके घर से. और अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर के पास. कोई अच्छी सी जगह थी, मुझे नाम याद नहीं है. तब हम लोग वहाँ जाएंगे, घूमेंगे और आपको दिखाएंगे. मैं डिग्गी में बैठी, मैंने नया एक्सपीरियंस करा अब्दुल्ला के साथ. उसी का ही आइडिया था कि अपन डिग्गी में बैठते. हम लोग वहाँ से आ चुके हैं एंड हम लोगों ने खाना वगैरह खाया वहाँ पर. देख सकते हैं गाइस, अब हम कितनी ब्यूटीफुल प्लेस आए. और मैं आपको बताऊँ, बजरंग की भाईजान की जो शूटिंग हुई है वो भी कुछ कुछ शॉट्स लिए गए हैं यहाँ पे. तो ये बहुत प्यारा लग रहा है. ग्रीनरी का भी आइए व्यू दिखाती हूँ मैं आपको. बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है. यहाँ पे कोई नहीं है हमारे सिवा. बट गाइस, गर्मियों के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं. बट अभी जो सर्दी का माहौल था तो कोई नहीं था, खाली था. नीचे वाटरफॉल है तो और भी हसीन. एंड गाइस, यहाँ पे ग्रीनरी थी क्योंकि हर जगह ज़्यादातर मैंने आपको जैसे बताया था ऑटम सीजन के अंदर जैसे पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, मगर यहाँ पे थी ग्रीनरी. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें. यहाँ पे हमने वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ खींचे. और नीचे गाइस था इसके वाटरफॉल, बट हम लोग वहाँ पे नहीं गए नीचे ज़्यादा. अब आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी. क्या लो बना ली बना ली तुम्हारी भी. पहले थे ये इनसे से और जमा. अच्छा, चुप करके तुमने बहुत बकवास बोला है. गाइस, ये जो है इससे जो कौन आग जलाते थे, जो पुराने हाँ पुराने जमाने के लोग इससे आग जलाया करते थे, ये मुझे बताया अब्दुल्ला ने. ठीक हो? और मैं आपको और अभी मैं इसको हाथ में लेके देख रही थी, कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं रोज़ जैसे गाइस. और ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ये वुड के थे. इससे जैसे मैंने आपको बताया आग जलाया करते थे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना रोज़ जैसे, बहुत ही प्यारे थे. तो इनको मैं ऐसे ही कलेक्ट कर रही थी, देख रही थी हाथ में लेके. हम लोगों ने यहाँ पे खूब वीडियोस बनाई, खूब फोटोज़ खींचे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस. यहाँ पे भी इसका भी एक अलग ही मज़ा था. जैसे हम सोनमर्ग में गए तो वहाँ पे स्नो मिली, और हम यहाँ आए तो हमें यहाँ पे ग्रीनरी मिली. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और अब हम लोग जा रहे हैं घर. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मुझे नाम नहीं पता था, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गई. बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस थी. गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, बट इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अकेली नीचे वाटरफॉल था, वहाँ पर नए घर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर. अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे घर पर.
गाइस देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ अजरा के और अप्पी ने लगाई है हफ्सा के। और जो जिसको नहीं पता कि मुझे मेहंदी लगाना आती है तो मैं बता दूँ, मुझे आती है। और हम लोग किचन में बैठे हुए और अभी मेहंदी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कंप्लीट होगी तो और प्यारी लगेगी। और ये वाली कंप्लीट हम लोग आ गए हैं बुला लेके इधर।